वेलकम क्लास सिक्स सकीना पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर चल रहा है जिसका हेडिंग है एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। आज 11 तारीख में उसका सेवंथ लेक्चर है। इससे पहले हम बात कर चुके हैं एलिमेंट और कंपाउंड की, आज हम बात करेंगे मिक्सचर्स की। हमने आपको बताया था कि जो भी सब्सटेंसेस हैं, जो भी मैटर है, वो दो कैटेगरी में बटा हुआ है, प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस में दो कैटेगरीज हैं, एक तो एलिमेंट की कैटेगरी है, दूसरी कंपाउंड की कैटेगरी है। ये दोनों ही प्योर सब्सटेंसेस कहलाते हैं, इसके बारे में हमने बहुत सारा आपको बताया था। उसके बाद तीसरी कैटेगरी है इम्प्योर सब्सटेंसेस की, उसमें सिर्फ एक ही है और वो है मिक्सचर। मिक्सचर के बारे में हमने कल शुरुआत की थी कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी रेशियो में मिलाए जाएं और उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, लेकिन एक मिक्सचर तैयार हो जाए, तो इस मिक्सचर में जिन चीज़ों को हमने मिलाकर मिक्सचर बनाया है, उन तमाम चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ भी इसमें ऑब्ज़र्व की जा सकती है। ये मिक्सचर बना है एक फिज़िकल मेथड से, फिज़िकल कॉम्बिनेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस, और कोई ख़ास रेशियो का ख्याल नहीं रखा गया है। किसी भी प्रोपोर्शन में चीज़ों को मिला दीजिए, तो जब ऐसा होता है, जब व्हेन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, व्हेन द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन इंडेफिनेट प्रोपोर्शन एंड दे आर मिक्स्ड फिज़िकली, दे आर कम्बाइंड फिजिकली, देन द मिक्सचर इज़ प्रिपेयर्ड और मिक्सचर इज़ ऑब्टेंड। दिस मिक्सचर इज़ हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। जिन चीज़ों ने मिलकर इसको बनाया है, उसकी प्रॉपर्टी भी इसमें देखी जा सकती हैं। जबकि इससे पहले जब कंपाउंड की बात की थी, तो हमने बताया था कि कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड को बनाने वाले कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ उससे बनने वाले केमिकल कंपाउंड में बिल्कुल नहीं होती, एकदम नई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मिक्सचर के बारे में हमने बताया था कि जैसे हमने एग्जांपल दी थी लास्ट में कि द एयर इज़ गुड एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। हम कहते हैं व्हेन एवर वी स्टार्ट व्हाट इज़ एयर, तो हम लिखते हैं कि एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। हम बताते भी हैं उसमें कि उसमें नाइट्रोजन गैस है, उसमें ऑक्सीजन गैस है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें कुछ इनर्ट गैसेस हैं, उसमें वाटर वेपर है, उसमें डस्ट पार्टिकुलेट्स हैं, उसमें स्मोक भी है कभी कभी, तो इतनी चीज़ें हैं। और इसकी कुछ कुछ हम परसेंटेज भी बताते हैं ना। 78% नाइट्रोजन के बारे में कहा जाता है, 21% ऑक्सीजन के बारे में कहा जाता है, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कहा जाता है, और 1% में मॉइस्चर। ये वही चीज़ है जिसको हम हवा में नमी के नाम से पुकारते हैं, नमी के नाम से पुकारते हैं, या फिर हम इसको जो इसकी जो परसेंटेज होती है, इसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी परसेंट, कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी नमी है। और डस्ट पार्टिकल तो डिपेंड करता है कि एयर कहाँ पर है, तो उसमें कितनी गंदगी हो सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब इसमें, इस मिक्सचर में सारी चीज़ों की प्रॉपर्टी अपनी जगह पर कायम है। कार्बन डाइऑक्साइड की अपनी टॉक्सिक प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की अपनी एक प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि ये कंबशन का सपोर्टर है, कंबशन में मदद करता है, ब्रीदिंग के लिए हम लोग इसे इनहेल करते हैं एयर को, उससे हमारे लंग्स में पहुँचती है बहुत सारी एयर, जिसमें 21% ऑक्सीजन होती है, 78% नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन के बारे में ये है कि नाइट्रोजन हमारे फेफड़ों में जिस तरह जाती है, उसी
तरह से वापस भी आ जाती है. वी कैन नॉट यूज़ दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, हालांकि इस नाइट्रोजन की हमको ज़रूरत होती है. तो इस नाइट्रोजन को हमारे लिए यूजेबल बनाने में प्लांट्स का बहुत बड़ा रोल है. बैक्टीरिया प्लांट्स की रूट्स में इस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेयर से लेके या ज़मीन से ही लेके, और फिर ये प्लांट्स में पहुंचती है. व्हेन वी यूज दीज प्लांट्स, वी यूज नाइट्रोजन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में भी तरह तरह की प्रोटीन्स बनती रहती हैं, तो उसके लिए ये नाइट्रोजन ज़रूरी होती है. नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द कंटेंट ऑफ द प्रोटीन्स. हमारी बॉडी में जब हम प्रोटीन खाते हैं तो उनको डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड बनाए जाते हैं. अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन, और उन बिल्डिंग ब्लॉक्स में फिर नाइट्रोजन का शमूलियत या नाइट्रोजन का एडिशन भी होता है, और तब हमारी सेल्स जो है नए तरह की प्रोटीन्स बना पाती हैं. तो मिक्सचर के बारे में जिक्र चल रहा था कि एयर इज अ वेरी वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ ए मिक्सचर. तो मिक्सचर में फिर अब उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं. तो मिक्सचर हमारे दो तरह के हो सकते हैं, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर. होमोजीनस मिक्सचर का जब हम जिक्र करते हैं तो पता ही चलता है कि जिन चीज़ों ने इस मिक्सचर को बनाया है उनका इस मिक्सचर में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है. जैसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम ये देखें कि जैसे अगर हम एक कप पानी वाटर लें और उसमें दो चम्मच शुगर डाल दें, जो शुरू में नीचे बॉटम में उस कप के पानी में बॉटम में जाके जमा हो जाएगी, तो अभी इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है शुगर का. फिर हम उसे एक चम्मच से स्टर करते हैं, चलाते हैं, को घोलते हैं, तो उसके बाद फिर वो शुगर के जो दाने हैं या सॉल्ट के जो दाने हैं वो गायब हो जाते हैं. गायब तो नहीं हुए हैं बल्कि उनका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है पानी में. ऐसा मिक्सचर होमोजीनस मिक्सचर कहलाता है. तो ये तो लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर है. सॉलिड सॉलिड का भी एक मिक्सचर तैयार होता है जिसको हम अलॉय कहते हैं. जैसे स्टील बनाने के लिए आयरन और कार्बन का इस्तेमाल होता है. इनको इस तरह मेल्ट किया जाता है कि ये दोनों मिलके एक हो जाते हैं. और भी बहुत सारे अलॉय हैं. कॉपर और टिन का अलॉय है, ब्रास कॉपर और जिंक का अलॉय है, ब्रास पीतल जिसको हम कहते हैं. तो ये जो अलॉय हैं ये भी होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि ब्रास में फिर कॉपर, कॉपर तो रेड कलर का होता है, कॉपर का पता नहीं चलता, और जिंक जो है वो सिल्वर कलर का होता है, उसका भी पता नहीं चलता, बल्कि एक नया कलर दिखाई देता है, तो वो है येलो कलर ब्रास. लेकिन इन दोनों मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ इस ब्रास में मौजूद हैं. अगर हम डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स पर इसको अलग करना चाहें तो हमें दोनों मिल जाएंगे. थोड़े कम मेल्टिंग पॉइंट पे जिंक अलग हो जाएगा, और जब जिंक अलग हो गया तो जो बचेगा वो कॉपर होगा. तो इस तरह से हम इनको अलग कर सकते हैं. तो ये हमको जैसे मतलब जैसे सोना, उससे जब जेवर बनते हैं तो जो जोड़ डाले जाते हैं वो सोने के साथ कॉपर मिला के जोड़ डाले जाते हैं ताकि ज़रा मज़बूत रहें. और कॉपर को सोने में भी मिला दिया जाता है ताकि उससे बनने वाले जो जेवरात हैं वो ज़रा मज़बूत रहें, तुड़े मुड़े ना, क्योंकि गोल्ड तो बहुत सॉफ्ट है. तो इसलिए जो अलॉय हैं, जो अलॉय होमोजीनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स हैं, इनको या तो सॉफ्ट करने के लिए या फिर हार्ड करने के लिए इनकी मिक्सिंग होती है या इनके मिक्सचर तैयार किए जाते हैं, जिनको अलॉय कहते हैं. दूसरी चीज़ हमने जो बताई थी, हमने कहा लिक्विड और सॉलिड, जैसे सॉल्ट और वाटर का एक मिक्सचर हम तैयार कर सकते हैं. वाटर यानी लिक्विड और लिक्विड के भी मिक्सचर हम तैयार कर सकते हैं. तो जब हम किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं
तो हमें एक होमोजीनस मिक्सचर मिलता है, क्योंकि जिस चीज़ को हमने डिसॉल्व किया है वो है सॉल्यूट, और जिस चीज़ में डिसॉल्व किया है वो है सॉल्वेंट। तो इस तरह से हमको एक होमोजीनस मिक्सचर मिल जाता है, इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो होमोजीनस मिक्सचर में दो चीज़ें हमारे सामने आई, एक तो सॉल्यूशन और दूसरा अलॉय।